पियानो बजाउन वाला कितना टाइम पहला आता है? जे पियानो बजाउन वाली भैन या भाई कहे मैं तो सौं गया सी जी, मेरी लत दुखदी सी जी, मैं ओ कर रहा सी। देखो अपने काम से दड़ रहना पैंदा है। जो एक व्यक्ति ड्यूटी ले 8 बजे तैयार हो सकता है, कॉलेज जाने ले 7:30 बजे तैयार हो सकता है, ते खुदा दे ले क्यों नहीं तैयार हो सकता? जो दिन भर एक व्यक्ति देह तोड़ता है, रात नूं उहनूं कोई काम मिल जाए 1,00,000 रुपये का वह करन लई उठ खड़ता है, सुबह 4 बजे उहनूं कोई काम करन नूं मिल जाए वह करन लई उठ, चर्च के काम नूं क्यों नहीं उठता? वह चर्च के ऑर्डरस नूं कदों नहीं उठाया जाता? उहनूं इन्ना पता है एक व्यक्ति नूं कि मैं आह काम इतने करना कि टाइम ना लेट हो जाए, आह काम से टाइम ना लेट हो। उन्होंने चर्च के काम का क्यों नहीं पता लगता कि वह चर्च के काम में उसका टाइम हो गया? मैसेज बोलिया गया उन्होंने क्यों नहीं याद है? उस व्यक्ति की संगति कितने चल रही है? खुदा का उस व्यक्ति की संगति नहीं है। हाँ जी काम छड़ दिते संगति ने। हाँ जी खुदा नाल संगति है तो अपने कमां ते रहो। और अदन दे बाग विच यही तो खुदा ने आवाज मारी, कित्थे आ आदम? नबी ने कहा एक स्थान ते मिलदा, उस स्थान ते व्यक्ति नूं देखदा है कि है उत्थे या नहीं। ते खुदा एदां नहीं हैगा, प्रभु यीशु मसीह नूं दीदा नहीं हैगा, ऐदा नहीं कि उन्हों धरती दिसते नहीं की करी जा रहे हैं, सब कुछ ना, पर एक स्थान से मिलता है। प्रभु समझाने की कोशिश ना करो। और मोगे के पूरे चर्च के भैन भाइयों को कहांगा, प्रभु को समझाने की कोशिश ना करो, प्रभु को सिखाने की कोशिश ना करो, बल्कि खुदा तो सीखने की कोशिश करो। कई बार कहते लै फिर खुदा को पता नहीं तो सानू सुत्या पर उठा दिंदा आगे, तुहानू नहीं पता जो तुसी कॉलेज जाने उदो किवें, जो स्कूलों में जाने उदो किवें, ड्यूटी पर जाने उदो किवें उठते हैं? इत्थे खुदा तुहाडी मदद, इत्थे तुसी खुदा नूं बेवकूफ बनाउणे आ, हलके काम तुहाडा है कि तुसी उठो जाओ अपना काम करो। जां फिर कईआं दे अंदर इस तरह का विचार आ जांदा है कि यार पास्टर ने तो 2 दिन हो गए फोन नहीं लाया गा, मैं क्यों करा? भाई पास्टर दे फोन की वेट करते रहोगे ना तो तुसी खुदा दे नाल नहीं चल सकते गे, तुसी फिर आत्मक है ही नहीं तो दुनियावी है, इहदा विचार दुनियावी है। ये विचार तो दुनियावी है, वो आत्मक थोड़ा समझूगा उस व्यक्ति जिहड़ा कहूगा 2 दिन हो गए पास्टर ने मैनूं फोन नहीं लाया, अज सुबह तो लैके शाम तक मैनूं पास्टर ने फोन लाया और मैं नहीं लाउणा ते मैं नहीं जाणा। ओ भाई ये आत्मक गल नहीं हैगी, ये दुनियावी है, दुनियावी ये शरीरक गल है, शरीरक। जिस व्यक्ति नूं सुबह तो लैके शाम तक किरत करन नूं कहा प्रभु ने, उस व्यक्ति नूं इन्ना ही पता नहीं लग्या कि खुदा दे सेवक ने काम किन्ने करने आ। वह दिन रात बिजी है, जे उहनूं इन्ना ही पता ना लग्या कि वह बिजी है, ते अपनियां इह गल्लां लैके बैठा वह व्यक्ति, ते सोच बहुत गलत है, ये खुदा वल्लों सोच नहीं हैगी। मैं तो कहूँगा जिहड़ा विश्वासी अपने कामां ते बणिया वह सेवक तो कॉल ना करवावे, खुदा दे सामने अपने आप नूं वफादार दिखावे टाइम दे पाबंद। वह सेवक नूं भी सिखाउण दी कोशिश ना करे, देखो जी काम तो करना ही है जी, ये भी करना ही है जी, वह भी करना ही है। भाई सब पता है, इदां दीआं समझां देण दी कोई जरूरत नहीं है, खुदा ने देना ही है सारा कुछ। खुदा नूं शिक्षा देण दी कोई लोड़ नहीं है किसी नूं, और खुदा तो सिखो दे विच मिलना की है। और व्यक्ति कोई भी है, वह लहू दा खरीदिया होया है, खुदा ने सानू अपने लिए बुलाया, अपने लिए पाप साफ किया है कि खुदा सानू सबना नू अपने अनुसार वरते। अगर जे कोई व्यक्ति चाहता है कि खुदा दे अनुसार मैं अपना जीवन वरतान खुदा नाल वरतावा सही करना, नहीं चाहता
फिर उसके नाल आप जोर ला के भी की करांगे। जिस व्यक्ति लई दवावां होईयां फास्टिंग कीते गए, खुदा ने उस व्यक्ति लई उत्तर दिता कि एक सेवक नूं गैड कीता कि इस व्यक्ति का आ काम है। वह व्यक्ति कहे मैं नहीं करना। उस व्यक्ति च दुनियादारी रहे, वह कहे पास्टर कॉल करेगा फिर मैं जाऊंगा। वो कहे पास्टर मैनू कॉल करके बुलावे फिर मैं जाऊंगा। ये देखभाल तुसी करनी सी। अज कई बार थोड़ा जा सिर उच्चा उठता चर्च के अंदर भैन भाइयों का, खुदा उठाउंदा ही रहे और वह सोचते कि हुण जिहड़ी लोड़ रहेगी मेरे तक पास्टर नूं रहेगी। मैंने तुहाडे विचों नहीं, मैं गल कर रहा हाँ कि लोड़ रहेगी जिहड़ी मेरे तक हुण पास्टर नूं रहेगी, हुण जदों लोड़ होगी मैनूं बुलावेगा। मैं कहना वह व्यक्ति हजे आत्मक नहीं है। जिसनों ये आ गया ना जिदे अंदर कि हुण मैनू लो मेरे तक लोड़ा आवेगा तो बुलावेगा, वह व्यक्ति गलत आत्मिक चल रहा है। उन्हूं यह नहीं पता लगता कि गौर दे लई खुदा ने मैनू खड़िया किया सीगा, सगा मैं उस तो पहला कि मैनू बुलाया जाए उस तो पहला मैं उत्थे दायरे च रहा। जिस व्यक्ति दे इदां दे काम हो जाते चर्च के अंदर कि उन्हें सुबह लैके शाम तक अपने कामों पर गौर करनी और डेली अपने काम पूछे सेवक को, हाँ जी दसो जी, मतलब किसी सेवक ने कह दिता कि तुसी मेरे नाल चलिया करना प्रचार करन दे लई, तुसी मेरे नाल जाया करना भाई जी, तो वो रोज़ पूछ ले वे जाना जी कितने फोन ला के, उस तो बाद मैं अपना काम कोई लीक लव। शाम को पूछ ले भी कल कितने जाना है, तो नहीं तो अपना काम मैं लीका कोई होर सेवक नूं दस दो। जी वो कहे हाँ जी कोई नहीं, जो कॉल आ गई उदो असी सेवक नूं तैयारी चाहिए आ उस व्यक्ति की उस काम लई कि उतरों तो तैयार है। तो जे सेवक ने लाती कॉल 10 बजे तो व्यक्ति आया 1 बजे फ्री हो गए, तुहानूं पता किन्ना फासला पै जूगा उस काम का बता देगा। मैं होर तरीके नाल बोल रहा, एक मिनट का टाइम नहीं है साढ़े को, खुदा अपने कामों में मठा नहीं है। एक मिनट च खुदा किसी को बचाने लिए जा रहा है, तो माफ करना ब्रदर सिस्टर मैथों ये काम नहीं हो सकते। अगर मेरी कोई नहीं चलना चाहता मैं तो मिनट नहीं होनी है, क्योंकि खुदा ने तुहानू खरीदया है। तुसी वफादारी दिखाओगे तो भी प्रभु नाल, ना वफादारी दिखाओगे तो भी प्रभु नाल। जो तुसी सेवक नाल वफादारी दिखाउणी शुरू करते खुदा के काम भी होंदे देखोगे, तुसी नाल दी नाल काम बदलने होणगे। जो तुसी वफादारी छड्डती नाल दी नाल काम आने उत्थे चले जाना जिथे पहला सी। काम करो खुदा तुहाडे इन्ने काम वधा देवे तो अगे लैके जावे, पर तुहाडी वफादारी नाल ही लिखिया ना तुसी अधीन रहोगे तो उच्चा चक लेगा, उसके हाथ थले अधीन रहोगे तो उच्चा चक लेगा। जो तुसी अधीन नहीं, हाँ जी असी अधीन हाँ जी असी वेले टाइम संदेश पढ़िया जी, वेले टाइम बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ो संदेश भी पढ़ो, खुदा तुहानू बड़ी बरकत देवे। काम किहड़े कीते तुसी बाइबल पढ़ के, संदेश पढ़ के तुसी काम किहड़े कीते, ये भी वेखना पैणा। जब एक व्यक्ति अपने कामां दे लई 7 वजे नूं ड्यूटी ते पहुंच सकदा तैयार हो के, की गल उहनूं खुदा दे लई की हुंदा। जिस घर दे अंदरों ब्याहां दे लई पैसे निकल रहे आ, डॉक्टरां नूं देण लई पैसे निकल रहे आ, रिश्तेदारियां जाण लई पैसे निकल रहे आ, चर्च दे ऑर्डर लई की हो जांदा उस घर नूं, उस घर नूं चर्च दे ऑर्डर लई की हो जांदा। मतलब मैं पैसों की गल नहीं कर रहा, जे कोई 1 महीने च 500 रुपया चर्च नूं दे दूगा तो इत्थे तां 20,000 रुपया खर्चा है महीने का, उहदे 500 नाल 20,000 थोड़ा पूरा हो जाऊगा। वो चर्च के मैटर च की हो जाता उस व्यक्ति नूं,
सवाल है मेरा है, उस व्यक्ति नूं चर्च दे मैटर च की हो जांदा आ के की आ जांदा उस व्यक्ति दे दिमाग विच, उस व्यक्ति दे दिमाग च यही गल आ गई ना कि नहीं यार असीं वैसे नहीं देणे यार चर्च दे लई, नहीं यार असीं ओह गल नहीं पूरी करनी, आपे करे सेवक, उहनूं इन्ना वी रेवलेशन नहीं कि इह काम सेवक दा नहीं हैगा गा, ये काम सेवक का नहीं है कलीसिया। जिस तरह भाई राजू ने मेरे एक गल की मोटरसाइकिल जाते हैं, मैं क्या भाई ये मेरा काम नहीं, फेर बदलाव करने मैं बोल दूंगा जरूर, ये फेर बदलाव थोड़ा ही काम मैं करूँगा। कल मान लो कि भाई राजू यूपी भी गया, असी देखे उत्थे बैठे भी भाई कॉल लाते रहे कि भाई फलाने का फलाने टाइम तो टाइम है चर्च का, ठीक है, और वह व्यक्ति जिम्मेवारी ना आ रहा तो उसके मुताबिक व्यक्तियों को सुननी पैनी है कि अगर वो वधिया की करदा ने चर्च में, उन्होंने की वधिया लग्या उन्हें करना की है, तो जे कोई कहे नौ नहीं पार्ट जी असं वो नहीं सुनेंगी, तो असि तुम जरा कोई मर्जी को मैं तो फिर मेरा कहना तो फिर किसी होर तरीके का होगा, पैसे कमाउन का मैं तरीका नहीं है गा 100% चर्च में पैसे कमाउन का मैं कोई तरीका नहीं है गा, ये होर पास्टर ये तरीका बना दे, ये तो सिर्फ ऑर्डरस है चर्च के, ये तो बाइबल के ऑर्डर है, पौलुस के पतरस के द्वार को काम हो सेवकाई दे, ऑर्डर है चर्च के जेडे कि ये कलीसिया के कारण के काम है तो सेवक के कारण के काम है, जो सेवक करूँगा तो फिर थोड़ा जहा होर हिसाब नाल होगा। इसलिए मैं कहांगा तो असी संदेश नूं समझिए चर्च विच की होना चाहिदा है, चर्च दे अंदर जिथे संगति हुंदी संडे बुधवार होर चर्च दे पास्टर बुलाने असी, चर्च दे अंदर मीटिंगां करवाने आ, और इस स्थान दे अंदर की होना चाहिदा बहुत गौर नाल सुन वाली ध्यान ला के सुन वाली गल है। मैं हौली क्यों बोल रहा क्योंकि संदेश ही हौली 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 समझ वाला है, कई बार इदा लगेगा भैन भाइयों कि सानू कह दिता है ना, सारा कुछ समझ आऊगा। कई बार होंदा है कि बच्चों कहा जाता भैन कहें बच्चे नहीं लगे भाई ब्राह्मण कहता जीड़ी असल मां है, असल मां असल मां समझते हो जिड़ी कि असल अपने बच्चों का जीवन स्वर्ग ले आना चाहती, असल मां मन जिन्हों खुदा मानता कहना जी असल मां है वह अपने बच्चों चर्च लिया तो नहीं रोकेगी, मैं संदेश पढ़ना चाहना, संदेश का नाम है सधारणता ही, मोहरा तो पहला भाई ने प्रचारिया है और तुसी भी पढ़ सकते हैं अपनी किताबा जिन्हों को है हिंदी पंजाबी जिन्हों को भी है, और असी पहला नंबर 29 तो पढ़ांगे, वह बड़ा प्यारा संदेश नबी बोलता है और लगभग असी शाम की मीटिंग भी कुछ देख पावे दे किस तरह नबी चर्च समर्पित दे विच गल्लां करन लग्या। कह रहे सी चर्च तो नहीं बनाया लेकिन समर्पित दे विच तां गल्लां तां कीतियां ना भाई ब्रांडन ने संदेश दियां, ऑर्डरस तां लाए ना उन्हें की होना चाहिदा दे विच, हुण जो दे विच होना चाहिदा है चर्च दे, और असी समझदे हां कि इदां ही वचन च लिखा है खुदा कमसान दा नहीं है। भाई ब्रांडन ने कितों बोलिया नहीं, होर भाई ब्रानम ने क्रोंथिया दी पत्रियां चों ही बोलता सीगा, वह जिस दे विच पौलुस कहता है खुदा शांति दा है कमसान दा नहीं है, और ये गल्लां असीं लिखतां नहीं पढ़ रहे नाल, तुसीं पढ़ भी सकते हैं जे तुसीं पढ़ना पसंद करोगे, तो पहला क्रोंथिया है तुसीं अपनी बाइबल ही पढ़ सकते, मैनूं देख लैन दिओ, मैनूं अपनी पुरानी बाइबल देख लैन दिओ,
पर पहला करवाती है 14 की तुम गन्ना कत्ती याद पढ़ो उस तो बाद असं अगे बढ़ा दूसरे की पहला करवाती है 14 और अभी कत्ती याद और फिर उस तो बाद असं अगे बढ़ा क्यों जो तुसी सारे एक एक करके अगम वाक कर सकते हो भाई सारे सीखण ते सारा सारे दिलासा पाउण जी अगे बत्ती ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मतलब ये नहीं कि तुम उठ के खड़े हो जाने कई बार ताड़ियाँ मारते सू आमीन हालेलुया आवाज़ा सुनदिया होनी चाहिए ये पर एक कमसान हो रहा है वचन तो बहर जरा पैंता जिदा वचन नाल भगती नाल कोई संबंध नहीं है जिदा भगती नाल कोई भी लेना देना हुण भाई जो चर्च ऑर्डर की गल करता कमसान नू बंद करन दी गल करता कमसान जिहड़ा बंद रखना है शांतिपूर बने रहना है पवन दे अंदर तो फिर कमसान दा नहीं है खुदा ये लिखता साढ़े हिरदे च होनी चाहिए कि जेकर कमसान पऊगा यदा मतलब खुदा नहीं रहूगा शैतान नू पता है कि मैं कमसान पा दवा इस तरह के काम करा इस तरह दियां गल्लां करा जो कि कमसान विच खुदा रवे ना पर सानू ये वचन संभाल के रखता है खुदा दे हाथ है असी कमसान विच नहीं जाणागा असी सिर्फ तो सिर्फ खुदा दे संदेश विच जाना है मैं पढ़ना चाहना है तुसी मेरे नाल पढ़ो सुधारणता विचों कितना कितना नबी अगे कोट करन लगता है जो असी बुधवार नूं छड्डियां सी ये गल्लां मैं इसलिए सीरीज शुरू कर रखी है कि साढ़े भैण भाई पक्के ही हन सारे वो बुधवार भी होंगे तो वह एतवार भी होंगे ही है और ये मोहर के जान तो पहला असं सारी समझ पाईए दराड़ भी मोहर भी और उस तो पहला दराड़ समझ पाईए ये सादगी खुदा शुभदा अपने आप को सादगी प्रगट कर रहा है भी समझिए कि किस तरह असं सधारण रहना है जी ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਅਲਰਿਚ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਲੀਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਲੀਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਲੀਪਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਕੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਨੇ प्रबंधक बंदे जड़े सिगे वो खड़े से बोल भी कोई व्यक्ति बोले ना कमसान ना पावे और आज तो अनु भी कोई कह सकता अगले दिनों में कोई भाई उठ के कि तुसी कमसान ना पाओ तुसी रुको चुप करके बैठो जे कर कोई नहीं सुनता तो वो आजाद है चर्च के ऑर्डर चो वो व्यक्ति जो चर्च के ऑर्डर मुताबक नहीं चलना चाहता शांतिपूर्व नहीं बैठना चाहता तो जरूरी है कि वह अपना स्थान छड़ दे जी ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਬਸ
मेले की तरह नहीं कह रहा नबी के तुसी जाओ बढ़ जाओ चढ़ जाओ जो निकल जाओ चढ़ जाओ जाओ दो जाने उत्थे खड़ के गल्ला करी जाओ दूजे बैठे वेखे आन तुसी फिर आके भाई फिर पांच मिनट बाद फिर मन किया फिर बाहर चल जाओ ऐदा नहीं है। इधर डिस्टर्ब की हो जाएगी फिर इधर डिस्टर्ब हो गया हूँ कि कलीसिया खुदा का आत्मा डिस्टर्ब तो नहीं होंगे खुदा का आत्मा परेशान होगा इन्होंने गलों तो खुदा का आत्मा दुख मना इन्होंने गलों तो गुस्सा थोड़े तो अंदर हो सकता है किसी दे कि तो संदेश चढ़ा या पहला या बाद बड़ा गुस्सा चढ़ता कि मैं अपनी जिद ने खुदा बड़ा बड़ा अनखी खुदा है खुदा भी बहुत अनखी खुदा है तुसी जे अपनी जिद नहीं ना छड़ोगे तो खुदा भी अपने वचन को छड़ता नहीं है उन्हें वचन छड़ के तुहाडे पिछे नहीं भजना गा कि तुसी वचन छड़ दे खुदा तुहाडे पिछे पिछे भजा करो मिन्नत करेगा कि आ मेरी बेटी आ मेरे बेटे तू इत्थे आ है ना कि मैं तेरे बिना खड़ा है तो वेट करदा एक समा सी खुदा का जो सानू बुलाया खुदा का एक समा सी हुण असीं आ गए हाँ हम असं भवन के बच्चे आ गए भवन के रूल सुनो मैसेज के रूल सुनो भवन में रूल की है सानू इतों तक लेके आया कि सानू वो समझावे सिखावे रूल की है अगे संदेश के खुदा के रूल की है जी जे तुसी चुप चाप रहन दी इच्छा रखदे हो और चुप चाप रहन दी दिशा रखदे हो इच्छा रखदे हो तो तुसी वेदी ते आओ तुसी किथे आओ वेदी ते आओ मतलब जिग वेदी ते आओ अते शांति पूर्व दुआ करो की करो दुआ करो शांति पूर्व दुआ करो किथे इथे आओ दुआ करो ते अपने स्थान ते बैठो अपने स्थान ते बैठ के वचन पढ़ दो तुसी अपने स्थान ते बैठ के भी दुआ कर सकते हैं पर वेदी ते कह रहा भाई ब्रानू कि अगे आओ वेदी से दुआ करो शांतिपूर्वक अपने स्थान ते चले जाओ किदा भाई ब्रानू इस दायरे नु समझ रहा है तुहानू समझ आ रही है किदा समझ आ रही है तुहानू कि एक व्यक्ति उत्थे दुआ करता उत्थे दुआ नालों इत्थे दुआ दा किन्ना फर्क है उन्हें कहा वेदी ते आओ ते वेदी ते आके दुआ करके फिर अपने स्थान ते है जी इहदा मतलब दा एक एक विश्वासी नू आउंदे नू पहला इत्थे आउणा चाहीदा भला एक मिनट लई रुके फिर अपने ठिकाने पे जावे सच्चे आमीन देख रहे हो मैसेज नू बहुत बारीकी नाल समझण दी कोशिश करो ऐदा नहीं सुधा आया बंदा आके ढोलक ते बह के सुधा आया हारमोनीयम ते बह के सुधा आया बंदा कि अपने अपने जगह ते ऐदा बाबे वांगू प्रार्थना की धन्यवाद तेरा जी कादे लई कीता मैसेज नू समझिए इसलिए धन्यवाद किया कि बाकिया नाल लेट आया सी मैं इसलिए धन्यवाद किया कि बाकिया नाल लेट आई सी प्रभु धन्यवाद तेरा कि मैं तो नहीं आना चाहती सी पर तू खिंच लिया आया इसलिए धन्यवाद किया किन्ना कु टाइम टोचट बार खिंचता रहूगा परजा ने सुधरना कदों आ जदों दूत सुधारेगा जदों एलिया सुधारेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਐਂਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਏਰੀਆ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਓ ਅਨਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਝੁੰਡ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ 9:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਰੀ 9:15-10:15 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ
शांति पूर्वक रहना चाहता है। नबी कहता वेदी से आए अते दवा करे ते फिर अपने स्थान से चला जाए, क्योंकि और भी किसी ने करनी है दवा, चाहे अपने स्थान से जाके दवा करे, पर नबी ने कहा जाके उसे वचन पढ़ो, अपने स्थान से जावे जाके अपना वचन पढ़ो, पहला अपने स्थान से जावे और उसे अपनी बैबल रखे और उसे अपना बैग रखे और आके वेदी से दवा करे। अगर वेजो ना ही लग जाना चाहता तो चक्कर कोई नहीं लिया सकता है, वेदी से दवा कर सकता है आके और उत्थे घुटने टेक के दवा करके अपने स्थान पर जा सकता है, जेकर भगती दे नाल उदा संबंध है ना। उस व्यक्ति दे नाल खुदा बनेगा, क्योंकि वचन जिले का तमसा आंदा नहीं। एक व्यक्ति आया, उन्हें आके दवा बनी की थी, उन्हें आके कुछ किया भी नहीं है, उन्हें आके बैठा रहा था सोची गया की करा की करा की करा। एक व्यक्ति बैठा है सोची जाता है कि दूजे चर्च में आके दवा करिए और देखिए ना की कर दिया, वो भी करे भाई, उन्होंने भी तो कुछ करना चाहिए, उन्हें नहीं संदेश समझना, उन्हें नहीं संदेश समझा वो कहते मैं तो बथेरी दवा की थी, मैं सारी रात दवा करती रही, मैं सारी रात दवा करता रहा। वखरा मैटर है, ये वखरा मैटर है, लेकिन चर्च का ऑर्डर इसनों समझी। जो कि भगती दे नाल संबंध है, जिंदा भगती दे नाल संबंध है, प्रार्थना का हरकत का भगती दे नाल संबंध है। तुसी दो घंटे दवा करते हैं, चार घंटे दवा करते हैं, छिया दिन लगातार बने रहने अपने कामा कारा दवाओं में, वखरा मैटर है। जो कि नबी ऑर्डरस के मुताबिक चर्च के अंदर गल करता है, चर्च के अंदर। और मैं विश्वास नाल कहना है नबी ने क्या है ऑर्डरस के अंदर, कहता अपन गलतियां का पछताव भी कर सकता इतने आके, कहता वो अपन गलतियां का पछताव करे, खुदा दे नाल गल करेगा अते दवा भी। विश्वासी की इतने आके इदा नहीं होनी चाहिए प्रभु अज मैं जाने लॉटरी निकल आवे, अज प्रभु रस्ते में जान लिया कि पर्स ही डिग्या होया थे, आजे अज प्रभु मेरी दुआ यही है कि मेरा काम है ना अज ही लखपति बन जावा मैं करोड़पति, ना ना ना। चर्च के अंदर दवा यह होनी चाहिए उस विश्वासी की कि मेरिया गलतियां प्रभु माफ कर, मैं पछताप करदा, जे कितने हुईया भी है तो प्रभु मैनू मेरे नाल गल कर। चर्च में बैठा भी वो दवा यह होनी चाहिए है, अपने स्थान पर बैठा भी दवा यह होनी चाहिए प्रभु अज मेरे लिए संदेश दे, मेरे नाल गल कर कि मैनू पता लगे। जिस व्यक्ति ने आके चर्च में यह कहता अज तक तवा मेरे ते लगे है, उसकी खुदा नाल कोई संगति नहीं, क्योंकि आंदा ही नहीं मैसेज लैन, आंदा ही नुक्स कटना, वो ये कोई बहाना मिले बहाने लैके छा चर्चा हो तो कुछ नहीं, सच्ची तो सच्चाई है। असली अंदरली बंदे की गल ये आँदी होंगी है कि वह व्यक्ति संदेश को छड़ना चाहता है तो बहाने लभ रहा। असली वो व्यक्ति अपना खुदा रिश्ता तोड़ना चाहता है तो ही तो बहाने लभ रहा। पढ़िए, मैं संदेश पढ़िया कलीसिया काल दे दूसरे मोहरां दे विचों 17:27 जो तुसी अपने स्थान ते जाओ अते अपनी बाइबल खोलो, और अपने स्थान ते जा बड़ो अपनी बाइबल खोलो, तोड़ा गवांडी की करदा है, और तोड़े नाल गवांडी तोड़ा की करदा है, ए उसकी जिम्मेवारी है, ए ओदी जिम्मेवारी है, तुहानू कुछ कहण दी लोड़ नहीं, तुहानू ओनू कहण दी लोड़ नहीं कि ओ फलाना, कई बार कहंदे वो देखो जी वो आई करता सी मैं भी उवें ही कर लिया, वो कहता उन्हें तुहानू कहण दी की लोड़ है, तुसी शांति पूर्व अपने वचन च बनो, अपने स्थान ते बने रहो। भाई भी ना थोड़ा जा जिहड़े बैठने वाले भाई आ, ये भी थोड़ी जी जगह नू कवर करया करन, भैन आले पासे जगह थोड़ी होंदी आ,
और लत्तां नसालों वाले भाई थोड़ा जिहा अपने कवर कराया कर और थोड़ा थोड़ा इन्होंने चीज़ों का बाद में छिट्टा निकलता है मैं पता है। और किट्टा वाले भी पूरा दायरा ना दायरा किट्टा का कवर कराया कर कितने जगह वेली होंगी है और कितने जगह वेली नहीं होंगी उत्थे वेली जगह च रखा कर और ये सोच के ना बैठो कि इतने किसी ने आना नहीं होर और अपनिया किट्टा सैड से रखा करो जिते जगह वेली होंगी है इदा नहीं कि एक जगह थोड़ी तो रोकी है उन्नी कि तो जगह किसी चर्ज नहीं मिलनी गई एक जगह तो थोड़ी तो रोकी होंगी कैट रखने के लिए एक रखी होंगी बैबर रखने एक लत्त नसालों के लिए हाँ जी थानू तो भी लगता कि दूसरा बंदा सौखा बैठा बहुत औखा बैठा थानू तो कुछ कहता नहीं है जो अभी सफ़र करते हैं 100-100 किलोमीटर वाड़ा 3-3 घंटे गुजर जाते सफ़र च उस लत्तां नहीं दुखदियां काम खड़े आए करने हूँ पता लगता 500 दिहाड़ी बननी है फिर लत्तां दुखदियां गई चर्च में आके बहुत दुखदियां अड्ड पैर टुटन लग जाते चर्च में आ गया ना अड्ड पैर लैस करने के लिए थोड़े घर बिड लगे आ चर्च च भी लगी है दो संडे तो बाहर फिटिंग तो बाद चर्च भी दो लगे हुए हैं और तुहानू की लगता है कि दूसरा व्यक्ति तुहानू कुछ बोलता नहीं गा इस करके तुहानू लगता है कि बस असीं जो कर रहे हैं ठीक है पर ये ठीक आप ही करना सारा कुछ नबी ने बोला दूसरे को डिस्टर्ब की ना आवे दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब ना होवे और दूसरा व्यक्ति किवे वचन सुन रहा है किवे मगन है वो डिस्टर्ब ना होवे और हर एक चीज नु समझने की कोशिश करो इस देश विचों अपने स्थान ते जावे जी ए उसकी जिम्मेवारी है ए उसकी जिम्मेवारी है गांडी की करता है ओदी ना चिंता करो तानू कुछ कहन दी लोड़ नहीं तानू कुछ भी कहन दी लोड़ नहीं है जे तुसी उस नाल गल करना चाहंदे हो जे तुसी ओदे नाल गल करना चाहंदे हो ते इथे ना कदे ज कदे मारो मोढे च मोढे बैठे इथे ना उस भाई दे उत्ते चढ़ चढ़ के बैठो अपने अपने स्थान ते रहो अपनी अपनी किताबा च बने रहो कदे कदे ना ऐदा दा हुंदा है कि जिवें डंगर दा संगल नहीं फड़ के तोर दे ते कदे कदे ऐदा दा डंगर गुणा चर्च विच रहिंदा है कि ओह दूसरे नूं देख रहे हजे कि की करदा है पढ़न विच वी इह काहदे वास्ते चक्कियां हत्थां विच तुसीं काहदे वास्ते रखियां बाइबल हत्थां विच छे दिन तुसी की कीता जिहड़ा कि तुहानू अज भाई दे भाजे कंधे मारने पैंदे इदां उत्ते गोद च वड़ वड़ बैठन जांदे आ भाई भाजां दे पर नबी कहिंदा अपने अपने स्थान ते रहो नबी ने कहा अपने अपने स्थान ते रहो और खुदा डिसिप्लिन दा खुदा है वो तो आटी समझना चलन वाला नहीं है वो अपने वचन ना चलन वाला है बाकी बरछदा नबी ने क्या आपे पता लगता जिधर नु चका उधर नु डगदा जाके इन नबी ने बहुत बारीकी ना चीजा सिखाया है जी जे तुसी उस नाल गल करना चाहंदे हो जे तुसी उदे नाल गल करना चाहंदे हो तो चर्च विच नहीं ता कहो मैं उस नाल बाहर मिलांगा मल के अपने विच कहो ओथे ना कहो कि ओथे मिलांगे बाहर जाके बाहर विच करियो गल चर्च विच नहीं इदां दी गल्लां
ਪਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ 14-15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁਸਰ ਘੁਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਯਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਈਆ ਸੰਡੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਆ, ਵਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਆ ਚਾਰ ਜਾਣੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਹੋਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਹਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਹਾਂ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਵਹਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਹਾਂ ਸਾਈਡ ਮੇਂ, ਸਾਈਡ ਮੇਂ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਔਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਪਤ ਬਾਤ ਛੁਪੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ ਹੋਗੀ, ਜਬ ਜੀਜਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਸੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਮੇਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ, ਬਚਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਰੇ ਭਈਆ ਕਰੇ, ਚਰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚ ਆਰਡਰ ਪੇ, ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਵਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਵੇਖੂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮ, ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ, ਵਚਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮ ਕਰੇ ਚਰਚ ਮੇਂ, ਚਰਚ ਕੇ ਆਰਡਰ ਰੱਖੋ, ਰੂਲ ਕੋ ਐਸੇ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਜੈਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਜੋ ਯਹਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਬ ਚਰਚ ਕਾ ਆਰਡਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਉਸਕੋ ਉਡਾਨੇ ਆਏ ਆ ਯਹਾਂ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸੇ ਹੁੱਜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਤਾ, ਐਸੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਤਾ, ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ, ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਉਡਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ, जो खुदा की एकता को खत्म करता उसको तो उड़ाऊ मैं यहां, जो नबी के संदेश के उल्टे डालता उसको उड़ाऊ यहां से। तब तक नकले मारते रहोगे आप, तब तक कह देखते रहोगे दूसरा क्या पढ़ रहा है, तीसरा क्या पढ़ रहा है, तब तक आप नकले मारते रहेंगे, कब तक तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा कि हम कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनिए, नबी ने संदेश बचा रहा है, मैं उसमें से तुम्हें और भी समझा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि जब संदेश पर जाया जाता है तो ऐसे लगता है कि आप पास्टर चाहता है कि हम एक दूसरे को बुलाए ना बुलाए, कम कहां मना किया कि बुलाए ना बाइबल में, लेकिन चर्च में जब तुम आते हैं, आज मैं पता क्या कहूंगा, आज मैं कहूंगा वो रस्ते वाले दरवाजे से जब एंट्री करते हैं तो आप मीटिंग के लिए आते हैं। यहां मीटिंग चल रही है, वहां मैं खड़े बातें कर रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। आप लोग उल्टा ना समझिए संदेश को, नबी ने क्या बाहर बात करें, बाहर बात ये नहीं कि यहां मीटिंग कर रहे हैं बाहर बातें करें, ये कहां लिखा नबी ने, ऐसा तो लिखा ही नहीं,
नबी ने बाहर कहा था, बाहर मीटिंग के बाहर नहीं, मीटिंग के बाद, जहां मीटिंग से 6 दिन पहले, 4 दिन पहले करें ये काम। ध्यान से सुनिए सारी बातें, आप यहां आए हैं तो यहां कुछ लेके जाना। ध्यान पूर्वक सुनिए सब कुछ जी, पढ़िए। मैं उस नाल बाहर मिलांगा, मैं उस नाल बाहर मिलांगा, मैं इत्थे प्रभु दी आराधना करना आया हां, मैं इत्थे प्रभु दी आराधना करना आया हां। तुसी खुदा दा वचन पढ़ो, तुसी खुदा दा वचन पढ़ो, चर्च विच आके जां शांति पूर्वक बैठे रहो, जां शांति पूर्वक बैठे रहो। फिर संगीत, कई बार बिलीवर भैन भाई आंदे कहंदे हजे कड़ा पास्टर मंच ते आया ना, हजे भजन गाउण लगे 10 बजे नहीं, उन्हां टाइम चक्कर चक्कर मारे उन्हें घूमे आने शांतिपूर्वक माहौल बना के रखो। जी पुराने पियानो ते कोमल ढंग नाल इस संगीत दी धुन वजाउंदी हुंदी सी। उत्थे उस स्लीप उत्ते मेरे मुक्ति दाते ने अपना बलिदान दिता, अते जद तक सभा दा समा नहीं सी हो जांदा, ए मिठा अते कोमल संगीत वजाया जांदा सी। संगीत वजदा कदों सी भैणा? भाइयां दी तां गल बाद च करांगे, भैणा भैणा नूं वी इन्नी समझ सी भाई ब्रांड दे चर्च विच कि पहला वजदा 40 मिंट घंटा, कलीसिया दे बढ़न तो भी पहला वजदा होना चाहिदा। इत्थे साढ़े सुते पए नहीं आउंदे गे, उठ के डिलीट समय नूं डिलीट करदे, कि खुदा ना डिलीट कर दे तुहानूं। जे तुसीं संदेश नूं डिलीट करदा, खुदा डिलीट कर दूगा पक्का। नाल दी नाल भाई अभी दे नाल 2-3 जने तैयार हो जाणगे अज रात नूं गल्लां करन दे लई, पक्का मैनूं पता हो जाणगे तैयार। देखा तेरे देवी तवा लादा, हां जी तवा उहदा ही पैणा जिहदा बणिया सी, दूसरे दी किवें वीडियो बना लोंगे? जिहदे विआह विच वीडियो ही नहीं बणी ते उहदे वेखोगे किवें तुसीं? कदे कदे ना मैं अगे वी इक वार बोलिया सीगा, मैं कि कदे कदे ना वीडियो बनदियां सी ना मूवियां, क्यों भाई जो बनदियां सी कि नहीं बनदियां मूवियां विआह दे विच? ते जो नौजवान बच्चे देखते ना उन्होंने वेट के ऐ नहीं करते, मुड़ के ना बनाते, शर्म जी आती है ना बनाते, वो तो कहते यादगिरी होगी है ना। गल नहीं समझ आ रही, उन्हें कहते तवा ला दा, तवा तो तुहाडा ही सीगा पै गया चल पिया, खुदा पहला ही बाल बैठा ही तवा, उन्हें पहला ही बनाया सी बेचारा बेच ही समझ गया सारा कुछ। हो लेकिन चर्च के अंदर भाई ने क्या वो बड़िया प्यारिया भैन संगीत बजाउंदियां ट्यून बजाउंदियां रहिंदियां सी, जब तक सभा शुरू नहीं हो जाती सी, शर्म नाल मर जाना चाहिए सानू कि भैणा भैणा भी वो टाइम नूं सही कवर कर दियां सीगियां। ऑर्डर सानूं वो टाइम जिस तरह भाई नहीं जदों आए सीगे, भैणां बहुत वधिया समें नूं कवर कर दियां सीगियां ऑर्डरस दे अनुसार। 40 मिंट पहला चर्च तो अंदर आउंदे लोक, 45 मिंट, लेकिन उन्होंने तो पहला भाई ने क्या वजदी रहिंदी आ
ਟਿਉਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਚ ਚੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂਨਾ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟੂਨਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਟੂਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣ ਬੈਠੀਆਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਵੇ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸ ਔਖਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਲ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਚ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਊਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਊਨ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਦਰ ਜੀ ਟੂਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਮੀਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੁਣੇ
मैं आई पाटिल जी वो रस्ते चौदह नाई करी जाते वो कितने आ कम सहन ज्यादा एक व्यक्ति हजे आया ही नहीं उन्होंने ये पता ही नहीं लग्या कि सेवक ने आन दे पवित्र आत्मा ने सेवक नू लेके आना पवित्र आत्मा ने सेवक नू लेके आना उन्होंने इन्ना भी नहीं पता हजे चर्च के ऑर्डर का ही नहीं पता था विश्वासी किधरले पास पाया गया ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बस मीटिंग खत्म होने से मैं चप देने फटे पा देना भुचाल भाई भुचाल पाने तो पहला मेरे वालों सैन किए गए कि अज की मीटिंग व्यक्ति ना भी जिन्हें मीटिंग तो बाद कसमान पाना है समझे ये प्रचारया क्यों कह तो प्रचारया वो व्यक्ति यार कमाल है एक व्यक्ति लिए खुदा तैयारी करके आता है एक व्यक्ति लिए खुदा बरकत लेके आता है एक व्यक्ति चला के मार लिया है गल गलत नहीं हैगी है। एक व्यक्ति खुदा ने बदलने की कोशिश की एक व्यक्ति खुदा ने सेवक के द्वारा बहुत चीजा समझाने की कोशिश की लेकिन उस व्यक्ति ने चला के मारिया सारा कुछ फिर वो व्यक्ति की लैन आता है जिसने संदेश मतलब साढ़े विच कोई पुराना है नवा है ही नहीं है सब समझदार है इतने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें चर्च का दायरा किसी का ना देखा हो फिर संदेश का दायरा देखिए घूम के संदेश समझिए ऑर्डर समझिए संदेश दे भाई ब्रह्म ने इदा दिया गल नहीं की कि प्यार खत्म कर दिता इतने मैटर तैयार होने लग जाते लोगों के कि यार देखो यार पास्टर प्यार खत्म कर रहा एकता खत्म कर रहा यार चाहता है विश्वासी विश्वासी को बुलाओ ना बुलाओ नबी ने मना नहीं किया बुलाओ वरतो नबी ने कहा वरतो एक दूसरे वरत वरतावा करना वरत वरतावा करो पर चर्च के अंदर नहीं रस्ते तरीके नहीं बना के आने कि चर्च जावे तो आप जाके उ गल करा दो चार मिनट ये गल उबेड़ा ना शादिया बिजनेस होर सलाह संडे मीटिंगा तो बुधवार मीटिंगा तो बाद होनिया चाहिए मेरे को आ सकते तो कमरे च सब जा रही पर यह चर्च के अंदर एदा दिया मीटिंगा नहीं चाहिए कई बार मीटिंग खत्म होंगी नाल ही पैना शुरू कर लेंदियाँ मगर ही शुरू कर लेंदियाँ भैया भाई वो तैनू मैं कल कहा तू फोन तो आया कल भाई बाद च गल करो ये बाद गलां करो अपन तू मैं पानी में बनाया कल बाद गलां करो बैठ के नबेड़ो इतने नहीं कमसान दे विच खुदा नहीं है कमसान दे विच कोई सोचे कि मैं तो पा दूं कमसान मीटिंग समाप्त होने खुदा कितने है बिच कमसान दे विच खुदा थोड़ा मैं तुम्हें एक चीज दसदा इस मसीह ने उदाहरण के तौर पर एक दस्तांत समझाया दस्तांत बोलिया उन्हें कि जो बीज बीजने वाला बीज बीजने लगा मनुख के पुत्र ने बीजा था बैरी आग में जंगली बूटी बीज गया बड़े वधिया वधिया विश्वासी होंगे कई बार बैरी आके जंगली बूटी बीज दिता बिच जीवना च जंगली बूटी ने तो फुटद ही रहना ज्यादा फिर जड़ तो खत्म करनी पैनी है नहीं तो फुटती रहोगी जंगली बूटी तो जंगली बूटी पैदा कदों होंगी है जो तुम बैरी को बैठे जाते जंगली बूटी ने तो फुटती रहना फिर पता की होगा जंगली बूटी क्यों मिल जाते
एक ने दूसरे प्रति कुछ कहता, दूसरे दूसरे बस फिर देखण सार की घरे सुत्या पया नूं। मैं तां मैनूं लगदा पक्की दो गल्लां ने, पक्की शायद नहीं शायद हाँ शायद नहीं। जंगली बूट ने उठना फिर पवित्र आत्मा बुरे आत्मा फिर दबण की कोशिश करने फिर बुरा जंगली बूटी नूं तुसीं मारना है, जां तां आत्मा च हो जाओ जां फिर जंगली बूटी नूं फिट करो अपने विच, जां तां फिर संदेश नूं मन्नो तो नहीं फिर जंगली बूटी नूं लैके चलोगे तुसीं। जंगली बूटी है बचार दुनिया दे, गल्लां दुनिया दियां जी। पढ़िए जान लो भाई तुसी स्वर्गीय बाणी जरूर ही सुनने वाले हो। जो एक प्रचारक आता है प्रार्थना करता होया प्रार्थना दे विच और आत्मा नाल भर के जो वंचते आ जान लो इस गल नूं कि तुसी स्वर्ग दी बाणी सुनन आए आ। तुसी स्वर्ग दी बाणी सुनन वाले आ। जे व्यक्ति ने भवन दे अंदर ही ठान के प्रार्थना करदा ना रहा हो ना ये ठान के आया तो व्यक्ति बहुत दूर बैठा है जे संदेश तो। जिसनों इन्ना है ना पता लगे कि अज असीं स्वर्गी बाणी सुनन जाना है। जे मान लो रास्ते इधर आए जे मैनू अज ना आदर मिले भजन दे विच मेरे जे ताड़ियां ना ना मारियां किसे ने ते मैं अगली बार गाना ही नहीं गा ना मारे ताड़ियां कोई कोई टेंशन वाली गल नहीं। एर की ये सख्त संदेश आया ना मैं अगली बार आना ही नहीं गा। व्यक्ति विश्वासी नहीं आ वो मैं तो बोल रहा मन चो संदेश समझ गए कि उस व्यक्ति नु इन्ना नहीं पता कि स्वर्गी बाणी सुन चले अज असी भवन विच कशमान पाउण नहीं आए असी स्वर्गी बाणी सुन आए आ। कई बार भवन दे अंदर आके नुक्ता चुनिया चलदियां ने जे विश्वासी दे अंदर यही चली जांदा है ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਸਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 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 ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਈਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਹਮੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਸਣ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਪਾੜੀ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜਲਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैं कहना चाहूंगा कि सानू अपने जीवन से ध्यान मारना चाहिए कि जे एक भाई अपने जीवन से ध्यान मारे एक भैन अपने जीवन से ध्यान मारे कि चर्च में ऐसी केड़ी चीज है जिस नाल मैं खुदा नू डिस्टर्ब कर रहा है मेरे विच निकलनी चाहिए आओ ऐसी केड़ी चीज है जिसे खुदा के लोग डिस्टर्ब होंगे ये मेरे जो निकलने चाहिए।